राजस्थान के कुछ इलाकों में और 30 मई से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी होने की संभावना है। या आने वाले समय में तापमान थोड़ा कम हो सकता है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दोपहर के वक्त इक्का दुक्का ही कोई सड़क पर नजर आ जाएगा, मानो कोई कर्फ्यू लगा है। ये हाल है फलोदी का। इन दिनों राजस्थान का ये जिला काफी सुर्खियों में है। यहाँ पर पड़ रही प्रचंड गर्मी ने सबको हैरान कर दिया। करीब 70,000 की जनसंख्या वाले फलोदी में इन दिनों पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया। गर्मी ने इस जिले में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कें सुनसान पड़ी है और बाजार में सन्नाटा पसरा है। लोग अपने घरों में ही रहने पर मजबूर हो गए। आखिर किस कारण से फलोदी में इतनी गर्मी पड़ रही है और कब तक यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी? क्योंकि फलोदी नाम को पहले फल वर्धिका के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि सिद्धू कलाक ने इसका नाम फल वारिधिका रखा गया था, जिसके बाद से सिद्धू कला की विधवा बेटी फला के अनुरोध पर फलोदी कर दिया। फलोदी के नमक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यहाँ ऋण में नमक उद्योग है, जिसके कारण इसे ये नाम दिया गया। फलोदी थार रेगिस्तान के बफर जोन में है। शुष्क जलवायु के कारण अक्सर यहाँ का तापमान अधिक रहता है, जिस जगह प्रतिवर्ष 25.4 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है उसे शुष्क जलवायु कहा जाता है।